फरमाते हैं यो माई दिन यवदुल्लदीन कफरू, उस दिन वो लोग जिन्होंने कुफर किया, एक तो हकीकतन कुफर है कि इस्लाम ही को ना मानना, और इसमें इशारा इस तरफ भी है जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि उनको इल्म बाज़ उलूम है और बाज़ इल्म तो हमको भी दिया है, माज़ल्ला दीगर मखलूक़ात को भी दिया गया है, नहायत तोहीन की बात कही। तो उस दिन वो लोग तमन्ना कर रहे होंगे वह असवुर रसूला, और जिन्होंने रसूल की नाफरमानी की वो तमन्ना क्या कर रहे होंगे वो लोग कुफर करने वाले और रसूल की नाफरमानी वाले, लो तो सव्वा बिहिमुल अर्द, कि आज काश हमें मिट्टी में दबा दिया जाए, हमें मिट्टी कर दिया जाए, यानी हम बेजान हो जाए, हमारा हिसाब किताब ना हो। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और अल्लाह से कोई ये बात छुपा नहीं सकेंगे। आज तो लोगों से छुपा लेते हैं, लोग जब कहते हैं कि फलां फलां बात तुम लोगों ने कही है, तो फलां फलां बात तुमने कही है, तो लोगों से छुपा लेते हैं, लोगों को चक्कर दे देते हैं, लोगों को कहते हैं कि उल्मा की वजह से हमें नहीं पता, माज़ल्ला, लेकिन अल्लाह के यहाँ पर नहीं छुपा सकेंगे, अल्लाह तबारक तआला सारी बातों को जानता है। तो अल्लाह ने यहाँ पर तहदीद फरमा दी उन लोगों को जो नबी अलैहिस्सलाम की गवाही पर, जो आप अलैहिस्सलाम की गवाही पर एतराज़ करते हैं, फरमाए कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा, ए ईमान वालो तुम नमाज के करीब ना जाओ, दरा हाल ये कि तुम नशे की हालत में हो, हत्ता तअलमु मा तक़ूलून, जब तक कि तुम्हें इल्म ना हो जाए तुम क्या कह रहे हो। तो इस आयत तैयबा के इस हिस्से के बारे में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि एक चूँकि इब्तदा में शराब लोगों में तो राइज थी, फिर इब्तदा में उनको तदरीजन उसकी हुरमत का हुक्म दिया गया, पहले तो बता दिया गया कि इसमें नफ़े भी हैं नुकसान भी है, लेकिन इसका नुकसान ज़्यादा है, तब उस पर पाबंदी ये लगा दी गई कि नमाज के औकात में ना पढ़ा जाए, ना पिया जाए इसे। और उसकी वजह ये हुई कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यहाँ पर दावत थी, तो चूँकि शराब उस वक्त हराम नहीं हुई थी तो शराब भी सर्व की गई, तो लोगों ने शराब पी, एक शख्स ने इमामत की, और जब उसने सूरह कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ी तो उन्होंने उसके अंदर तमाम जो लात है वो सब के सब हटा दिए, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, मैं नहीं इबादत करता उसकी जो तुम इबादत करते हो। जब इसमें से ला निकाल दिया जाएगा, नफी निकल जाएगा, तो उसका मतलब बनेगा कि मैं इबादत करता हूँ उसकी जिसकी तुम करते हो, यानी तुम बुतों की इबादत करते हो मैं भी करता हूँ माज़ल्ला, तो ये सारे का सारा कुफ्रिया बन जाएगा। तो बहरहाल जब ऐसा मामला हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम उस हालत में जब नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ, यानी मुराद ये कि नमाज के औकात में नशा मत करो। तो अब दिन के जो पाँच औकात थे उसमें जनाब नशे की ममानत हो गई, दिन में पूरी ममानत हो गई, तब लोग ले दे के जो करते थे पीते थे तो फिर रात में करते थे, उसके अलावा और टाइम उनको मिलता नहीं था, फिर बाद में वो भी ममानत कर दी गई। तो यहाँ पर ये फरमा दिया गया। फिर यहाँ पर दूसरा एक अहम नुकता ये है कि नशे की हालत में इंसान से अगर कोई गलत बात सरजद हो जाए ईमान और कुफर के हवाले से, तो चूँकि उसकी अकल उस वक्त सलामत नहीं होती है तो उस पर कुफर का हुक्म नहीं होता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पर उन पर कुफर का हुक्म नहीं लगाया और न ही उनको हुक्म दिया कि अपने ईमान की तजदीद करो। फरमाया कि हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, उस वक्त तक नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि तुम ना जान लो तुम क्या कह रहे हो।